नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। जरीबट्टा थाना अंतर्गत बाप ने बेटी की पिटाई का मामला सामने आया है और बीच बचाव के लिए आने पर भाई और मां पर भी हमला किया गया है और बुरी तरह से घायल किया गया आरोपी नामक गजल वर्मा शेंडे बताया जा रहा है। निवासी जूना जरीबट्टा इटारसी पुलिया के पास उनका रहना है। आरोपी गजल वर्मा शेंडे मामूली बात को लेकर अपनी बेटी दामिनी की पिटाई कर रहा था। उसके भाई धर्म शेंडे ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसे मारने की धमकी दी गई और लकड़ी की बल्ली से उस पर वार किया गया। बीच बचाव के लिए भाई राजेश शेंडे पहुंचा तो आरोपी गजल ने राजेश के सिर पर वार किया और बुरी तरीके से घायल किया। आरोपी गजल ने अपनी माँ पर भी फर्श से वार कर उसे घायल किया है। दिनांक 1/2/2021 रोजी फिर्यादी हे जखमी अवस्थेत पोलीस स्टेशनला आले होते। त्यांचा आम्ही उपचार करून आल्यानंतर रिपोर्ट घेतली, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की मला 3 मुलं आहेत, त्यापैकी माझा मोठा मुलगा हा काही काम करत नाही, त्याला पत्नी व 2 मुलं आहेत, तर तो आज रोजी आपल्या मुलीला मारहाण करत होता। त्यावेळेस माझा 2 नंबरचा मुलगा व लहान मुलगा त्याला का मारतो असं विचारणं करता गेल्या, भांडण सोडवण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांनी 2 नंबरच्या मुलाला त्याच्यापेक्षा लहान मुला हो मला मोठ्या मुलाने गज्जू शेंडे असं त्याचं नाव, त्यांनी मारहाण केली। याच्यावरती आपण 326 ची कलम लावलेली आहे। समोरचा तपास सुरू आहे, सध्या तो अटकेमध्ये आहे। मी पोपनी नवनाथ देवकाते, पोलीस स्टेशन जरीपटका, नागपूर शहर।